खबरों में आगे बात करते हैं आगरा की, जहां पर ताजमहल के अंदर चुनाव प्रचार करने पर समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार की अगर बात की जाए तो ईद की नमाज के बाद सपा प्रत्याशी ने ताजमहल परिसर में प्रचार किया था। CISF की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुरातत्व विभाग की शिकायत पर थाना ताजगंज पुलिस ने प्रत्याशी और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको यह भी बता दें कि शनिवार को ईद उल फितर के मौके पर ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी। इस दौरान ताजमहल के अंदर निशुल्क प्रवेश भी किया जा रहा था। भीड़ का फायदा उठाकर सपा मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश, जिला अध्यक्ष आजाद सिंह, सपा नेता नितिन कोहली और अन्य कार्यकर्ता भी ताजमहल के रॉयल गेट पर पहुंच गए और नमाज पढ़कर लौट रहे अकीदतमंदों से हाथ जोड़कर चुनाव में वोट देने की अपील करने लगे। इस दौरान उनका एक साथी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल छपा हुआ पटका गले में लटकाए हुए था और उसके बाद उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। कई सीटों पर आज होगा नामांकन, आज आखिरी दिन कई प्रत्याशी करेंगे नामांकन दर्ज। नामांकन को लेकर सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज नामांकन करने का आखिरी दिन है और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। कई सीटों पर आज नामांकन भी किया जाएगा। आज आखिरी दिन कई प्रत्याशी करेंगे नामांकन। नामांकन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं बस्ती की, जहां पर निकाय चुनाव का घमासान तेज हो चुका है। सपा ने इस बार सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नेहा वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता राम प्रसाद चौधरी, सदर विधायक और जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थन वहां पर मौजूद रहे। और इसी के साथ ही सपा की नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी नेहा वर्मा ने कहा कि चुनाव में वो शहर की सफाई, सीवर लाइन और साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी। जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ उसको करके दिखाएंगी। इसी के साथ ही सपा जिला अध्यक्ष और सदर विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि नगरपालिका, यूपी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब तक शहर की हालत ठीक नहीं है। साफ सफाई से लेकर सड़क और जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि 5 साल पहले बीजेपी वाले कहते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद साफ सफाई, सिविल लाइन और साथ ही सड़कें चमकने लगेंगी, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन इस बार अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले ये विकास के कार्यों को प्रमुखता से किया जाएगा। महिला सुरक्षा, जो सीवर लाइंस नहीं है, 5 सालों में जो सरकार ने काम नहीं किया है उसको लेकर हम सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और काम करेंगे। पूरी तैयारी है, निकाय चुनाव में कोई जो है हम लोग के मुकाबले नहीं है। नेहा वर्मा भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मुद्दे हम लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं साफ हो रही हैं, सीवर लाइन नहीं है, और इसके साथ साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, देश में भी सरकार, उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नगरपालिका का विकास नहीं हुआ और सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी सरकार है, चारों तरफ लोग परेशान हैं, लाइन ऑर्डर से लेकर के हर मुद्दे पे सरकार फेल है। तो जनता अब इस भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है, इनके लोगों को भगाना चाहती है। जनता के बीच जाएंगे, पिछले आप याद करें 5 वर्ष पीछे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तब पूरा बस्ती का अमन चैन, पूरा सफाई, सीवर लाइन, सारा बिजली पानी सब व्यवस्था हो जाएगी। 5 साल बीत गए, देखा आपने कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए 5 वर्षों में। आज कूड़ा है, चाहे जिस तरह से भी देखिए आप पूरे शहर को, गलियां देखिए शहर की, आप कहीं से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।
रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। नगर पालिका हमीरपुर से अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप निषाद को दिया गया है टिकट। मोदा नगर पालिका से वाल्मीकि गोस्वामी को बनाया गया है प्रत्याशी। राठ नगर पालिका से श्रीनिवास बुधोलिया को बनाया गया है प्रत्याशी। तो बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नगर पालिका चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों की लिस्ट की गई है बीजेपी की तरफ से। मोदा नगर से वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी को उतारा गया है। इसी के साथ बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हमीरपुर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नगर पालिका चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप को इस दौरान प्रत्याशी बनाया गया है। गोस्वामी को भी प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि श्रीनिवास को भी इस दौरान बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शीलू निषाद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमीरपुर से शीलू, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, कौन कौन से अहम चेहरे हैं इस बार? जी, आपको बता दें बीजेपी के जो नगर पालिका हमीरपुर सीट है, तो कुलदीप निषाद को दोबारा दी गई। हालांकि पहले से भी वो दो पंचवर्षीय रहे हुए हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, और तीसरी बार भी उनको दिया गया है। और वहीं अगर बात करें मोदा नगर पालिका की, तो वाल्मीकि गोस्वामी को दिया गया है। और अगर राठ नगर पालिका की बात करें तो श्रीनिवास बुधोलिया जी को दिया गया है। जी, अगर बात की जाए, अगर वहां पर जातीय समीकरण की बात की जाए, तो क्या जातीय समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने इन प्रत्याशियों को उतारा है? जाति समीकरण की बात की जाए, उनके कार देखते हुए ही कुलदीप निषाद जी को वो दिया गया टिकट। कहीं ना कहीं और अगर जातिवाद की, तो सबसे ज्यादा जाति की भी बात की जाए, तो वो भी उनके वोट बैंक जो है बहुत अच्छा वोट बैंक है, इस वजह से उनको मैदान पे दोबारा बीजेपी ने उतारा है। बिल्कुल शीलू, अगर इस दौरान बात की जाए, तो बाकी की पार्टियों की बात की जाए, क्या इस दौरान चुनावी रणनीति बन रही है हमीरपुर में? जी मैम, इस टाइम हमीरपुर में जो बात करें सीट की, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट पे निर्भर करती है। जैसे कि हालांकि हम बात करते हैं अगर बीजेपी की, उन्होंने काम हालांकि बहुत ज्यादा किया है, इसलिए ज्यादातर जो लोगों के चेहरे हैं वो ज्यादातर सभी बीजेपी की ओर ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीलू इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर आरएलडी में दो बार जिला अध्यक्ष रहे आसिफ गाजी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। आरएलडी छोड़ आसिफ ने वेस्ट यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन की मौजूदगी में बीएसपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान बीएसपी के पदाधिकारियों ने आसिफ गाजी का फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं बीएसपी ने आसिफ गाजी को बुलंदशहर नगर पालिका का प्रत्याशी भी बनाया है। ये कहना चाहता हूँ, वक्त का बिल्कुल तकाजा है, सब समाज के साथ साथ मुस्लिम और दलितों को एकजुट होकर बुलंदशहर नगर पालिका पर जीत दर्ज कराने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। पिछली बार भी, जैसा कि मुझसे पहले साथियों ने बताया, यहाँ 17 नगर पालिका आया थे सब मिलाकर, साथ साथ कस्बों की भी सफाई होगी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सपा कार्यालय में उद्घाटन के समय पर घमासान देखने को मिला है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सपा पार्टी के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर घमासान। नगर अध्यक्ष रमेश यादव के बिगड़े बोल, सपा प्रत्याशी ने दिए मंच से विवादित बयान, गुमराह करने वाले लोगों को करेंगे पार्टी से बाहर। बड़ी खबर, नेता ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर उठाई है उंगली, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि सपा पार्टी के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर हुआ है घमासान। नगर अध्यक्ष रमेश यादव के बिगड़े हैं बोल। चलिए रुक करते हैं, तो देखिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ये वीडियो हो रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे, जहां पर सपा पार्टी के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर घमासान देखने को मिला है। नगर अध्यक्ष रमेश यादव के बिगड़े हैं बोल, सपा प्रत्याशी ने दिए मंच से विवादित बयान, गुमराह करने वाले लोगों को करेंगे पार्टी से बाहर। नेता ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर उठाई है उंगली, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो।
रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सपा की प्रत्याशी बीजेपी में शामिल होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, अर्चना वर्मा ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी टिकट वापस करेंगी। सपा प्रत्याशी अर्चना को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी। राममूर्ति वर्मा की बहू है अर्चना वर्मा। सपा ने अर्चना वर्मा को नहीं दिया टिकट और इसी के बाद आप कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि सपा की प्रत्याशी बीजेपी में शामिल होंगी। अर्चना वर्मा ज्वाइन कर सकती है बीजेपी और शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी टिकट वापस करेंगी। सपा प्रत्याशी अर्चना को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी। राममूर्ति वर्मा की बहू है अर्चना वर्मा। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर बीजेपी की ओर से 5 लाख के मुचलके में और पाबंद किए जाने पर बीएसपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद ने गहरी नाराजगी जताई है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी उनसे घबरा गई है और उसकी उनकी जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। पूर्व विधायक इमरान मसूद बीएसपी कार्यालय पर पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिन मुद्दों में उन्हें पाबंद किया है वही मुद्दे विधायक मुकेश चौधरी पर भी दर्ज हैं, लेकिन बीजेपी सत्ता के दबाव में विपक्ष का शोषण कर रही है जिसके चलते उन्हें पाबंद किया गया है, जबकि उनकी ओर से ऐसी कोई बात नहीं की गई, लेकिन उन्हें 5 लाख के मुकदमों से पाबंद किया गया है और ये केवल राजनीतिक मुद्दे हैं। क्या इस प्रकार से भी काम होंगे? आपके क्राइटेरियास क्या होंगे? मेरा कौन से कृत्य आपको ऐसा लगा कि मुझे आप गुंडा डिक्लेयर कर रहे हो? जिन मुकदमों में आप कह रहे हो उन मुकदमों में मेरे साथ भाजपा के विधायक मुकेश चौधरी भी हैं। राजनीतिक मुकदमे, और अगर गंभीरता की बात करें तो सबसे गंभीर मुकदमा तो श्री राघव लखनपाल पर है। कप्तान साहब के घर में घुसकर के तोड़फोड़ का मुकदमा है और आप मुझे 5 लाख का पाबंद कर रहे हो। मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।